हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है टैपेट नॉइज़ के ऊपर है। बेसिकली एक मेरे पास बाइक आई है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक, तो उसके अंदर इतनी आवाज़ है कि उसके सलेंसर की आवाज़ चेंज हो गई है। पटर 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 जाए, कोई डीजल इंजन का सलेंसर फट गया, ऐसा अजीब ही आवाज़ है। अभी सुनाऊंगा मैं आपको, तो वो क्यों आई कैसा ही इस वीडियो में आपको दिखाना, और इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरी बाइक, पहले जो क्लाइंट है मेरे, वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए और वो बोल रहे हैं मेरी बाइक पहले बिल्कुल ओके थी, इन्होंने कहीं सर्विस कराई है। ये इन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि सर्विस सेंटर से कराई है, बाहर लोकल में किसी में करने की से कराई, मुझे नहीं बताया उन्होंने। बट उन्होंने जब सर्विस करा के निकले, वो घर तक पहुँचे, उसके बाद आवाज़ चेंज हो गई उसकी, और इतनी आवाज़ हो गई कि बस पूछो मत। ये उसके पास वापसी गए तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हो जाएगी, चल चल के सही हो जाएगी। बट ये चलाते रहे, उसके बाद भी आवाज़ नहीं गई। तो अभी आती बाइक मेरे पास, आने के बाद उन्होंने कहा देखो ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो हमने तो भाई आवाज़ सुन के बताया, इसके हाइड्रोलिक ख़राब हो चुके हैं, तो अब कुछ ऑप्शन नहीं था उसका। बट हमने कहा बाइक छोड़नी पड़ेगी, आप कह रहे हैं कहीं खुलवाया है, तो ये हम देखेंगे उसको कि क्या ऐसा क्या गलत किया है, अगर पहले सही थी तो बाद में क्यों हुई। तो बस अब बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बाइक पास जो बाइक आई है उसकी कैसी साउंड है अभी, और हम क्या क्या चेक करना है। बेसिकली इसमें आपको पता चलेगा जब ये आवाज़ आए तो हमें क्या क्या चेक करना है और इससे कैसे बचें। तो सबसे पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कैसी है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम करना है, आपको सब इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो बाइक, क्लासिक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ सुनिए, आवाज़ बहुत बढ़िया है। आज ये टन 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 आवाज़ लगी, आवाज़ असल अंदर इतना गंदा लगा हुआ है इसमें। तो बेसिकली अभी आवाज़ इतनी, इसको बंद ही कर लेता हूँ पहले इसके। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि वो बता रहे हैं, क्लाइंट बता रहे हैं, इस पर अभी सर्विस सेंटर पे या कहीं पे भी कहाँ पे ये सर्विस होकर आई है, तो उसके बाद से कुछ टाइम बाद से आवाज़ आ गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका टैंक खोल के ऑयल देखेंगे, ऑयल ऊपर चढ़ा या नहीं चढ़ा, उसकी टैंक वैंक खोल लेते हैं पहले। तो दोस्तों रॉकर कवर खुल चुके हैं, प्लग की केबल वापसी लगा देंगे उसकी। और एक स्क्रू ड्राइवर लेके पेचकस लेके इसका हाइड्रोलिक की प्लेट चेक करेंगे। पहले इसको सेंटर में ये वाला टैपेट उठा हुआ है, प्लाई हुई है, और ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो ये बेसिकली ऐसे दबना नहीं चाहिए जिस तरीके से हो रहा है, ये जो इसमें प्रेशर आ रहा है ना, ये चीज़ ऐसे दबने नहीं चाहिए उसका हाइड्रोलिक करना। उससे पहले देखते हैं क्योंकि अचानक से क्या हुआ, क्यों ये अचानक से, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ऑयल देखेंगे, ऑयल आ रहा ऊपर या नहीं आ रहा, ऑयल पंप काम भी कर रहा है इसका या नहीं। वैसे ऑयल आ रहा होगा, क्योंकि अगर ऑयल की दिक्कत होती तो ये दोनों ख़राब होते, बट एक सही है, एक बहुत हल्का सा हिल है देख सकते हैं, और दूसरा वाला तो बस बढ़िया करके गैप है। तो स्टार्ट करके देखते हैं ऑयल को। ऑयल ही नहीं आ रहा इसमें, बहुत कम है ऑयल। दोस्तों इसके अंदर अभी ऑयल नहीं आ रहा है। ऑयल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं उन्होंने इसका आरएच कवर भी खोला था, तो आरएच कवर खोल के देखते हैं पंप में कोई उन्होंने या रिंग जो है वो लगाई तो नहीं, क्योंकि ऑयल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें आरएच कवर खोलना पड़ेगा, और देखते हैं अगर वहाँ सबको सही तो हाइड्रोलिक और ऑयल पंप दोनों चेंज करने पड़ेंगे। तो ये बहुत काम की वीडियो वाली है, तो बिना स्किप करे पूरी देखिए, मैं इतने आरएच कवर खोलता हूँ इसका। पलटना इसे। तो दोस्तों मज़े की बात देखो, मुझे लगता है इन्होंने यहाँ की रिंग लगाई है, तो ये रिंग नहीं लगी हुई इसके अंदर, हटाना देखना तसले में तो नहीं कहीं लगाई हो, तसले में गिर गई हो, देखो जरा अच्छी तरह देखो नीचे कहीं गिर गई हो, नहीं लगाई, नहीं है। तो दोस्तों इसमें बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने ना जब सर्विस कराई है, अभी बता रहे हैं कुछ दिन पहले ही सर्विस हुई है, तो उसने आरएच कवर भी खोला था और क्लच कवर भी खोला था। जब आरएच कवर खोला तो बंदे ने ये रिंग नहीं लगाई यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ऑयल नहीं चढ़ा। रिंग होती है, ओ रिंग होती है ये वाली, ये छोटी सी, ये ऑयल चढ़ाती है, तो ये बहुत काम की चीज़ है अगर आप खोलें कवर, तो ये ध्यान रखना। अब बस इसको लगा के देखते हैं, इसके दुआ करता हूँ इसका हाइड्रोलिक ख़राब ना हो गए, क्योंकि बाइक इन्होंने काफ़ी चला दी है, बिना ऑयल के हाइड्रोलिक ख़राब हो जाते हैं। तो बस देखते हैं इसको लगा के एक बार स्टार्ट करते हैं, ऑयल कितने स्पीड में आ रहा है ऊपर, और
हाइड्रोलिक बस ख़राब ना हो गए, अगर हाइड्रोलिक ख़राब होंगे तो हमें हेड सिलेंडर खोलना पड़ेगा। तो बस इसको लगा के एक बार चेक करते हैं, अगर हाइड्रोलिक ख़राब नहीं होते तो क्लाइंट के बहुत पैसे बच जाएंगे, इंजन खुलने से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, कई लोगों से गिर जाती है ये, बहुत थोड़ी सी ग्रीस लेनी है, ग्रीस लेकर ना इस पर ऐसे ऐसे लगा दी बहुत हल्की सी, अब क्या करना है ये इसके ऊपर पेस्ट करनी है, बस डेट्स इट। कोई एल्फी वगैरह कोई गम नहीं लगानी, ग्रीस से लगानी है, ताकि ग्रीस जो होता है लुब्रिकेंट ही होता है एक तरीके का। बहुत हल्की सी ग्रीस लगा, ये चिपक गई। अभी मैं फिलहाल इसकी पुरानी पैकिंग से ऐसी चेक कर रहा हूँ कि क्या आवाज़ आती है, उसके बाद इसको खोल के दोबारा पैकिंग वैकिंग चेंज कर लेंगे, तो अगर नहीं हुआ तो पूरा कुछ खोलना पड़ेगा। तो बस कार इसके बाद लगाते हैं अभी एज इट इज़ चेक करने के लिए। तो दोस्तों फिट हो गया नीचे से, अब इसको स्टार्ट करते हैं, आवाज़ सुनते हैं। अभी तो आवाज़ उतनी की उतनी है, ऑयल देखते हैं ऑयल कैसा आ रहा है, अभी तक ऑयल आया नहीं है, तो ऑयल आ गया इसमें और फुल स्पीड में आ गया। ऑयल तो सही आ गया, देख सकते हैं ऑयल तो बहुत सही आ रहा है, आवाज़ भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो अभी क्या करते हैं, इसके रॉकर को और ऐसे लगा के हाथ से पकड़ के थोड़ा एक्सीलेटर करके देखते हैं, हो सकता है हाइड्रोलिक के अंदर ऑयल जाए। वैसे मुझे नहीं लगता ये कामयाब होने वाले हैं, चेंज ही करने पड़ेंगे, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, क्लाइंट के पैसे बच जाएँ तो अच्छा ही है। आवाज़ कम है बट आस्ते आस्ते बढ़ रही है आवाज़, देखिए सुनिए। प्ले है तो दोस्तों इसके हाइड्रोलिक चेंज ही करने पड़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अब इसकी प्ले ख़त्म नहीं हो रही है। अगर अभी कर भी दिया तो ये कुछ टाइम में आएगा, क्योंकि उस पर निशान सूखे चल के ना हाइड्रोलिक पे निशान आ गए तो वो प्रेशर नहीं होना रहा है। छोटी सी गलती, एक छोटी सी ओरिंग, उसने इसका हाफ इंजन खोलने में मजबूर हो गया। चलिए अब खोलते हैं इसका सिलेंडर, खोलते हैं, हमें भी दुख होता है क्योंकि ये क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, ये बुलेट की कोई गलती नहीं है, ये फिट करने वाले की गलती, क्योंकि उसने ओरिंग फिट नहीं करा। तो फिर कहते हैं लोग यार मैंने बुलेट ली, बे बुलेट में ये हो गया वो हो गया, भाई तुम देखो सही कहाँ करा रहे हो, उसके बाद बात करो कि बुलेट बेकार है क्या बेकार है। तो दोस्तों इसका हेड और सिलेंडर खुल चुका है और हाइड्रोलिक इसके ये वाले हैं, देखिए ये ना इससे ऊपर देखिए जाएगा नहीं तो ये निकलेंगे नहीं। इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक बोल्ट होता है, देखिए आप इस साइड से देखें लेफ्ट साइड से, तो आपको यहाँ पे एक सामने बोल्ट दिखेगा पेज पर, तो ये वाला बोल्ट है एलंकी का, 5 नंबर के एलंकी से खुलेगा। इसको खोलने के बाद इसकी ये प्लेट निकलेगी, प्लेट के बाद 2 पिन है वो निकलेगा। दोस्तों इस ये काम थोड़ा नाजुक है क्योंकि अगर ये बोल्ट अंदर गिर जाता है तो इसका फिर पूरा इंजन खुलेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें कपड़ा अच्छी तरह भर देंगे ताकि बोल्ट गिरे ना, कपड़ा अच्छी तरह भर के फिर इसको खोलेंगे। और पहले मैं बोल्ट कपड़ा भर के ना बोल्ट खोल के आपको दिखाता हूँ पिन कौन से निकालने, उसके बाद ही ये हाइड्रोलिक निकलेंगे यहाँ से, यहाँ पर हाइड्रोलिक होते हैं। तो दोस्तों देखिए कपड़ा लगा दिया, लगा रखा और ये बोल्ट मैंने खोल लिया इसका, ये बेसिकली इसकी पिन, वो अंदर दिख गया आपको, इस पिन है एक यहाँ है, एक ये पिन है और एक इस साइड पिन है, तो ये पिन हमें निकालनी है। इसके लिए मैंने ये प्लायर बना रखा है,
एक पिन ये निकल गई, ये निकलने में थोड़ी दिक्कत करती है, ये निकल तो ये पिन है। अब इसका हाइड्रोलिक यूं बाहर आ जाएगा, एक ये रहा, चलो खाओ। दूसरा ही आया। तो दोस्तों इसके हाइड्रोलिक निकल चुके हैं, देखा आपने कि कैसे निकालने हैं। अब इसको फिट करते हैं, नए हाइड्रोलिक को कैसे फिट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये हाइड्रोलिक बिल्कुल ख़राब है, ये ना बेसिकली इसका पंपिंग काम नहीं कर रहा है, मैं बताता हूँ अभी कैसे ख़राब है। तो अभी हाइड्रोलिक इसके डालते हैं, बिना देरी करें दिखाता हूँ मैं कौन सा हाइड्रोलिक। दोस्तों ये है इसके हाइड्रोलिक, इसमें हाइड्रोलिक डालने और इसका ये ऑयल पंप चेंज कर रहे हैं। ऑयल पंप डाले इसमें BS4 का, इसका पुराना ये है, मैं आपको दिखाता हूँ फर्क क्या है। तो दोस्तों बेसिकली इसका फ़र्क है, ये पंप का जो, इस पंप का जो प्रेशर है डेढ़ गुना ज़्यादा है, डबल नहीं कहेंगे डेढ़ गुना ज़्यादा है। देखिए दिखने में आपको सेम लगेगा सब कुछ है, बट अगर आप यहाँ साइड से देखेंगे, देखिए इसके जो पंपिंग करती है मोटर, ये ज़्यादा बड़ी है। यहाँ अंदर पंप के इसके रोलर होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ जो ऑयल का प्रेशर बनाता है एडिटर इसका, यहाँ पे ये बड़ा है तो ऑयल इसमें ज़्यादा स्टोर होगा, ऑयल ज़्यादा ऊपर फेंकेगी। पंप का बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ऑयल खींचती है और यहाँ से ऊपर पंप करती है। अब जब ज़्यादा ऑयल खींचेगी तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो ये ज़्यादा कामयाब है। देख सकते हैं आपके सामने फर्क है, देखिए। तो वह इसको फिट करते हैं और इसके साथ ब्लैक कलर की गिरा दिया, ये हाइड्रोलिक फिट करते हैं। बाइक हमारी क्लीन हो चुकी है पूरी, चलिए पहले हाइड्रोलिक फिट करके इसके पिन वगैरह डाल लेते हैं। अभी मैंने रॉकर कवर नहीं लगाए, लगा रहता बट इसलिए लगाया कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी ऑयल कैसा है आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है। बस अभी स्टार्ट करके बार आपको दिखाता हूँ ऑयल कितनी स्पीड में आ रहा है इसमें, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि कितना फ़र्क है इसमें। तो उसमें मैंने एग्जॉस्ट जो है वो लगाया जो बाइक के साथ आता है, अभी एक बाइक का उतरा है, बाद में क्लाइंट से बात करती हूँ कि फिर फ्लो एग्जॉस्ट नहीं लगाएंगे अब। तो अब इसको स्टार्ट करके मैं आपको सुना देता हूँ कि अभी कैसी ऑयल कैसा आ रहा है, इसकी साउंड कैसी है वो मैं सुनाऊंगा आपको जब ये ढक्कन लगाने के बाद, जब इसके रॉकर कवर्स लग जाएंगे। जब देखिए ऑयल कैसा है, कितनी स्पीड में आया, देख रहे हैं फुल पावर से ऑयल आ रहा है। आवाज़ भी आपने थोड़ी बहुत सुन ली होगी कैसी है, तेज़ आ रही है।
इसका कवर वाला आगे, फिर आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो दोस्तों बाइक पूरी कंप्लीट हो गई, टैंक लगा दिया, सिलेंसर मैंने भी उतरा हुआ लगाया, बाकी क्लाइंट से बात कर लेंगे, वो वाला सिलेंसर तो नहीं लगाएंगे, इसमें जो फ्री फ्लो लगा हुआ था। तो अब इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। तो वो देखिए, वो कड़पड़ कड़पड़ सारी बंद हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी कड़पड़ की आवाज़ नहीं है। ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो बस बाइक कंप्लीट है, अब इसको डिलीवर करते हैं, मैं वॉशिंग वगैरह करा लेता हूँ, बाइक को डिलीवर कर देते हैं। क्या बोलूँ दोस्तों, मतलब छोटी सी गलती, वो कितने रुपए की होगी, खैर पैसे की छोड़ो, एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा खासी सील्ड बाइक थी, फर्स्ट टाइम खुला था ये हमारे पास। अगर वो ओ रिंग रबड़ अपनी जगह लगी हुई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता बाइक में, आज भी बाइक सील्ड होती बढ़िया चल रही होती। उसके बाद कहा जाता है कि भाई बुलेट ख़राब है, बुलेट में इतनी कमी है। दोस्तों क्यों आ रही है कमियाँ, क्योंकि करने वाले सही नहीं हो रहे। बस अगर मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं, मेरे सर्विस सेंटर वाले भाई देख रहे हैं, तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो है ना, इस काम को अपना पैशन बना लो, अपना शौक बना लो, अपना मज़ा बना लो इस काम को, तो आपका काम इतना अच्छा हो जाएगा, हर एक काम, कि आपको खुद फ़र्क पता चलेगा कि मैं अपना आपका काम कितना अच्छा हो रहा है। बस इस काम को एक मजबूरी मत लो, बहुत से कर रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं यार उनको पैसा कमाना है, कुछ करना है। दोस्तों उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों ये मजबूरी में ना करके उसको लो पैशन में। देखो जब बचपन में जैसा खेल का शौक होता है ना, ऐसे काम का शौक अपने जवानी में ले आओ कि बस मुझे काम करना है, कुछ भी करना है काम करना है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब अंदर ले आइए, तो आपका काम परफेक्टली होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आप उसको दिल लगा के करोगे। तो होप आप भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपको पता है कि किसी ना किसी की बाइक का इंजन खुलने से बच सकता है ऐसी हरकत होने से, क्योंकि आरएच कवर खुलता रहता है चैन सेट के लिए, किक की सील के लिए, किसी ना किसी के लिए आरएच कवर खुलता रहता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतने ही, इंतजार कर रही मैं नई वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।